हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर और पेपर टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, हिंदी में अगर बात करें तो अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का। देखिए, ये पूरी किताब आपके पूरा सिलेबस में 5 यूनिट है और 5 यूनिट से आपके 80 नंबर का रिटन पेपर होता है, यानी कि एक यूनिट से आपको 15 से 20 नंबर के प्रश्न आसानी से मिलेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आपको टोटल क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसके सिलेबस को। तो देखिए, पहली बात तो ये किताब आपका जो सब्जेक्ट्स है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, ये दो पॉइंट में डिवाइड है। पहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का आकलन और दूसरा क्रियात्मक अनुसंधान। आपका पूरा सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला जो यूनिट है ये टोटली असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे है, अधिगम के आकलन पे है। आप आकलन कैसे करेंगे, कोई बच्चा कितना पढ़ा, उसके जब आपको पता है अधिगम का मतलब कि उसके व्यवहार में परिवर्तन, तो उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, लड़का कितना सीखा, पहले से उसे कितना पता था और क्या इससे नया सीखा, कहाँ सीखने में परेशानी हो रही है, कैसे उसको किस दूसरे मेथड से उसको समझाया जा सकता है या सिखाया जा सकता है, इसी चीज़ का आकलन करना, मापन करना, मूल्यांकन करना, यही सारी चीज़ें इस पॉइंट्स के अंदर आएंगी अधिगम के आकलन के अंदर। तो पहला यूनिट जो आपका है वो टोटली इसी से डिपेंडेंट है। जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आपके सिलेबस में टोटल 4 पॉइंट ऐसे दिए गए हैं। पहले पॉइंट में आपको मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट, मतलब असेसमेंट आकलन का मतलब क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है और ये क्यों आपके सिलेबस में रखा गया है, इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पिछले 7 सालों के पेपर देखेंगे तो कोई ऐसा वर्ष नहीं गया हो जहाँ पर एक प्रश्न इसी पॉइंट से आता है कि मापन, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, या फिर कभी कभी आपसे बस एक साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है कि आकलन और मापन में क्या अंतर है, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो ये जो पॉइंट है द रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशंस, आकलन, मापन और मूल्यांकन के बीच का संबंध, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या था कि आपको आकलन के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है कि आकलन क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है और आकलन कहते किसके हैं, इसकी परिभाषा विद्वानों ने किया दिया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है आकलन, मापन और मूल्यांकन, इन तीनों के बारे में संबंध क्या होता है, इसके बीच अंतर क्या होता है, इन चीज़ को पढ़ना है। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ आपके सिलेबस में। तीसरा पॉइंट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कॉन्सेप्ट एंड नीड। दोस्तों, ये ना टाइप्स हैं मूल्यांकन के, प्रकार हैं जिसको हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन, मोस्ट ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस का मतलब सतत और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी अवधारणा क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। और इन तीन आपने देखा तीनों पॉइंट में मापन और मूल्यांकन के बारे में ही पढ़ना है। और चौथा जो आपका पॉइंट है आपका फॉर्म ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के रूप, आप किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, इसमें निदानात्मक, संरचनात्मक, सिमुलेटिव, फॉर्मुलेटिव, तो कुछ टाइप्स हैं असेसमेंट करने के लिए, उसके बारे में पढ़ना है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर सेकेंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च। इसी के बारे में सब कुछ पढ़ना है आपको दूसरे पेपर क्रियात्मक अनुसंधान, अधिगम का आकलन एवं क्रियात्मक अनुसंधान में। तो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको आकलन मापन मूल्यांकन, इन तीन के बारे में पढ़ना है कि वास्तव में ये होते क्या हैं, इनकी प्रकृति, इनकी विशेषताएं, इनका अर्थ क्या होता है। और दूसरा आपको पढ़ना है कि इन तीनों में संबंध क्या है, मापन, मूल्यांकन और आकलन में संबंध क्या है, इनके अंदर अंतर क्या है। और तीसरा आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट था कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसकी अवधारणा और इसके नीड, कॉन्सेप्ट एंड द नीड, इसके बारे में आपको पढ़ना था। और चौथा द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कुछ फॉर्म है जैसे संरचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, परीक्षण आकलन, स्व आकलन, ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में पढ़ना है, फॉर्म ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके और बहुत ही आसान। देखिए, ये जो पॉइंट्स है और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे, आप उसको बिल्कुल रट नहीं पाएंगे। ये बहुत ही आसान आपको समझने वाली चीज़ है। इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ में समझा दूँ, या फिर आप चाहें तो किसी अन्य टीचर से भी आप इसको समझ लीजिए, एक बार समझ जाएंगे फिर आप उसको अपनी भाषा में आप अपने एग्ज़ाम्स में लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा आकलन के संपूर्ण बारे में, जैसे आकलन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, आकलन के
के रूप कौन कौन से हैं, और आकलन में कुछ मोस्ट पॉइंट है मोड ऑफ द आकलन, आकलन का प्रतिमान, जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन फॉर्म ऑफ लर्निंग, मतलब अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आकलन की वीडियोज़ में हम एक वीडियो में आकलन को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे कि आकलन के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, रूप, ये सारी चीज़ें क्या होती है, उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फर्स्ट यूनिट सेकेंड पेपर को का सिलेबस हमने देखा था, समझा कि आपको टोटल पढ़ना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पढ़ेंगे साथ में मिलके पढ़ेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक एक करके इन सारी चीज़ों को ख़त्म करूँ। सेकेंड पेपर में बहुत कम डिस्कस हुआ है, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि सेकेंड पेपर को जल्दी से ख़त्म किया जाए, मतलब अच्छे से पढ़ के, इसके बारे में कम वीडियोज़ आई हैं, तो मैं अब रेगुलरली इसके बारे में डिस्कस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज़ वो दोस्त जो अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे ये जानकारी शेयर करके अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये जानकारी जान के अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और दूसरे तक शेयर करें। आइए दोस्तों को जोड़ते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।